मेरे बुजुर्गों की। चौहान बागर वार्ड नंबर 227 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रत्याशी मैं आपके सामने हूँ और वार्ड की बुनियादी समस्याओं को अच्छे से नजर में रखे हुए हैं। वार्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं, नीट का लाइसेंस बनवाने की आड़ में लाखों की रिश्वत ली जाती है। वार्ड में जो भी कमी है पूरी होंगी, सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, रिहायशी मकानों पर पार्षद और पुलिस की पैसा वसूली ये भी हम लोग बंद करवाएंगे। वार्ड की खस्ता हालत, सड़कों की खस्ता हालत, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया आदि बीमारियां भी फैल जाती हैं। गलियों में अंधेरा छाता है, गलियों में लाइटें नहीं है, अंधेरा रहता है, सब परेशान है, खस्ता हालात है, वार्ड मेरा बड़ा बेहाल है। बुनियादी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, आप अपना हक नहीं लेंगे, आप कब जागेंगे? चौहान बागर से पूरे संसद चौहान बागर से मेरी ये गुजारिश है कि ये जीत आपकी जीत होगी, मेरी नहीं होगी। एनसीडी के जितने भी संबंधित कार्य होंगे मैं आपके पूरे करवाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है और मैं झूठे वादे नहीं करती हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपके उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। चौहान बागर में एक भी बूचर खाना नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके रोजगार पर गहरी चोट लगती है, आपकी दुकानों पर सील लगाई जाती है, लाइसेंस का इशू होता है, आप लोग घर बैठ जाते हैं और आपको परेशानी होती है, रोजगार की चोट लगती है, उससे लाइसेंस आपका इशू मैं करवाऊंगी, मैं ये जिम्मेदारी खुद उठाती हूँ। कोलों में कूड़ों का ढेर है, पानी में बदबू आती है, गंदा पानी आता है, पार्क की सुविधा नहीं है, उनमें अच्छे झूले नहीं है जिससे हमारे बच्चे, मासूम बच्चे जो स्कूल होते हैं वो खुश नहीं रहते हैं। आप जाके देखिए दूसरे क्षेत्रों में यमुना बिहार के छोटे छोटे बच्चे कितनी आजादी से, कितनी खुशहाली से खेल रहे हैं, और क्या हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी इसी तरीके से खेले कूदे मुस्कुराए? तो पार्कों का भी प्रबंधन किया जाएगा और चौहान बागर में बाथरूम की बहुत ज्यादा समस्या है। पूरे चौहान बागर में लेडीज कोई भी बात नहीं है, उसकी भी समस्या एक गहरी बनी हुई है इस वार्ड में। मैं सारी समस्या का समाधान करूंगी। लाइटें नहीं है, अंधेरा हो जाता है, गड्ढे हैं गलियों में, बच्चे एक कदम चलते हैं पैर फंस जाता है, ये मैंने खुद पद यात्रा के दौरान महसूस किया है। मेरा भी पैर गिर गया था, मेरा भी पैर गंदा हो गया था। अब ये देखिए खुद अपनी आंखों से नजारा देख रही हूँ, आप लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रही हूँ, तो कितनी मेहनत करूंगी और करने के बाद अगर मैं निराशा रही तो मैं खुद इस्तीफा देने को तैयार हूँ, उस मेहनत का क्या फायदा? पूरी नहीं होगी और ये सारे काम मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। मैंने एक अभी से ही सोच लिया है मुझे अपने चौहान बागर के लिए क्या क्या करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन का भी समस्या का समाधान होगा, जन्म और मृत्यु की पंजीकरण भी मैं अपने ऊपर ही लाती हूँ। आप मेरे ऑफिस पे आइए, ये जिम्मेदारी मेरी होगी, ये आपकी सारी जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगी। चौहान बागर के जितने भी मेरे हाजरी मेरी सुन रहे हैं बात, आप आने वाली 4 तारीख को अपनी जीत का झंडा लहराइए, आपकी जीत ही मेरी जीत होगी। मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ, आपका साथ होगा तो परिवार खत्म होगा और आप लोग सब मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों का विकास ही मेरा विकास, आप लोगों का विकास ही मेरी मेहनत मसूल होगी और मैं आप लोगों का विकास होगा तभी मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी और आपके
आप लोगों की जिस तरीके से आप आते हैं स्वागत करते हैं, इसी तरीके से आने वाली 4 तारीख को इस बंजर जमीन में कमल उगाइएगा, फिर देखिए आप लोगों का माहौल क्या होगा। सभी से मेरी गुजारिश है कि वार्ड की सारी बुनियादी समस्याओं को मैं दूर करूंगी, जितना भी मेरे अंदर में काम आता होगा इंशाल्लाह, अगर नहीं होता भी होगा तो मैं आगे अर्जी लगाऊंगी, आपके सारे काम पूरे करवाऊंगी। आप मेरी बात पर यकीन रखिए, खोखले प्रचार का कोई फायदा नहीं है जो करे जाए आप लोगों से, और मेरी जनता बेहतर जानती है। अस्सलाम वालेकुम। केवल 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम उतारे हैं, वो चारों पासवानदा समुदाय के हैं। पासवानदा समझते हैं ना, ओबीसी समुदाय के हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, अंसारी हैं, मलिक हैं, सैफी हैं, कुरैशी हैं, जोजे हैं, गाड़े हैं, इन लोगों को उतारा है। इसलिए उतारा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, आपका वार्ड उसका उदाहरण है कि 90% आबादी आपकी, लेकिन हिस्सेदारी विधायक जी की बहू की। ये नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। ये संकल्प के साथ अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, कि जब 4 दिसंबर के दिन आप वोट डालेंगे, 7 दिसंबर को जब परिणाम आएगा, अगर आपने बहन सबा गाजी को जिता दिया तो 250 निगम पार्षदों में केवल ये एक बहन ऐसी होगी जिसको प्रधानमंत्री जी अपने यहाँ बुलाएंगे और इसको माला पहनाकर इसको ये आशीर्वाद देंगे कि बहन जा, चौहान बांगर वालों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करा है, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा करता हूँ कि चौहान बांगर वार्ड के सम्मानित मतदाताओं का सम्मान करते हुए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान के मान सम्मान की जिम्मेदारी उठाता हूँ। लेकिन तय आपको करना है दोस्तों, ये फैसले की घड़ी है कि एक तरफ वो 2 प्रत्याशी हैं जिनको आपसे कोई सरोकार नहीं है, जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं वो राजा हैं, और एक तरफ आपकी ये बहन है जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि ये बहन जब बोल रही थी तो इतनी भारी संख्या के सामने बोलते हुए घबरा रही थी। जानते हो क्यों घबरा रही थी? क्योंकि ये आपको अपना भाई, अपनी बहन, अपना बड़ा, अपना बुजुर्ग मानती है। जब वो आएंगे तो वो अधिकार से आपके सामने ऐसे हाथ हिलाएंगे के मालिक ने मजदूरों के सामने हाथ हिला दिया हो। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ,